गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पाठ थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस बजटिंग व्यावसायिक बजटन में EFM पेपर सेकंड यूनिट संख्या थर्ड के अंतर्गत बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत में क्या अंतर है उनका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया कि बजटरी कंट्रोल क्या है, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन किया जाता है। बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि एक महत्वपूर्ण विधियों की श्रेणियों में आती है, जिनमें मुख्यतया विभिन्न आयामों को, विभिन्न फैक्टरों को ध्यान में रख के इनका क्रियान्वयन किया जाता है। बजटी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि नियोजन एवं नियंत्रण की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में है। दोनों पद्धतियां मूलभूत उद्देश्यों के रूप में समान है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों ही समान क्रियाविधि अपनाती हैं। दोनों में पूर्व निर्धारित लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादनों का प्रमाप किस प्रकार से किया जाता है और लक्ष्यों और वास्तविक निष्पादनों की तुलना करके विचरणों का यह पता भी लगाया जाता है तथा विचरणों का विश्लेषण करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकार दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी हैं। प्रोफेसर J.R. टेरी कहते हैं कि प्रमाप लागतों को निर्धारित करने एवं उनके उपयोग करने के लिए किसी न किसी बजट अनिवार्य रूप से इनको तैयार किया जाता है, जिसमें WWBIC का यह मानना है कि बजटी नियंत्रण एक युक्तिगत विकास की प्रभाव लागत विधि भी है, जिसमें इस प्रकार प्रमाप लागत विधि के लिए बजटी नियंत्रण एक आवश्यक रूप से भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। साथ साथ बजट की स्थापना और कार्य संचालन हेतु प्रमाप लागतें लगभग अनिवार्य हैं, जिसमें सामग्री, श्रम और उपरिव्यय के प्रमापों के आधार पर इनको तैयार किया जाता है। उत्पादन बजट अधिक प्रभावी तभी होगा जब दूसरी ओर प्रमाप लागतों के निर्धारण हेतु उस अवधि के क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण आवश्यक है। यह उस समय अधिक सुविधाजनक हो पाता है जब बजट स्तर तैयार कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि तथा बजटी नियंत्रण एक दूसरे के पूरक भी मानते हैं। दोनों पद्धतियों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों के कारण कुछ विद्वानों का ये विचार भी है कि दोनों स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं हैं। यद्यपि ऐसा है, पूर्णतः सही नहीं है, तथापि दोनों के परस्पर समन्वय व सामंजस्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से ये भी कह सकते हैं कि बजटी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि दोनों ही समान उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं। दोनों ही क्रियाविधि एक ही जैसी हैं, दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इन समानताओं के बावजूद भी दोनों पद्धतियां अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों विधियों में मुख्य अंतर यह है जिनका हम बिंदुवार अध्ययन, जिसमें हम बात करें प्रथम बिंदु की, जिसमें बजटी नियंत्रण का क्षेत्र प्रमाप लागत विधि की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है, क्योंकि बजट व्यवसाय की प्रत्येक क्षेत्र जैसे विक्रय, उत्पादन, श्रम, क्रय, वित्त, पूंजीगत व्यय आदि के संबंध के रूप में बनाए जाते हैं। प्रमाप लागत विधि उत्पादन व विक्रय लागतों तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार बजट आय व्यय की समस्त मदों के रूप में संबंधित होते हैं, जबकि प्रमाप केवल व्यय की मदों तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार प्रथम अंतर में हम ये पहचाने या ये जाने
कि बजट आय व्यय की समस्त मदों को शामिल करते हैं, जबकि प्रमाप केवल व्यय की मदों तक ही सीमित रहता है। दूसरी हम बात करें, बजट नियंत्रण व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण में बहुत उपयोगी हैं, जबकि प्रमाप लागत विधि लागत व विक्रय मूल्य निर्धारण या लागत नियंत्रण में प्रबंध की मदद के रूप में कार्य करती हैं। क्योंकि जब बजटीय नियंत्रण जब हम तैयार करते हैं तो व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित तरीके से ये प्रवाह भी करती हैं। तीसरा बिंदु, बजटीय नियंत्रण एक आंशिक स्थापना संभव है, जो उदाहरण यदि प्रबंध व्यवसाय में केवल प्रमुख क्षेत्र जैसे पूंजीगत व्यय, शोध एवं विकास आदि में बजटीय नियंत्रण लागू करना चाहिए, जिससे बिना परेशानी से या बिना परेशानी के ऐसा कार्य ऐसा कर सकता है या किया जा सकता है, तो बजटीय नियंत्रण प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो पाता है। जबकि प्रमाप लागत विधि आंशिक स्थापना के लिए व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण रूप से अनुपयोगी होती हैं, जो कि सहायक तरीके से प्रवाहित या सहायक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन कर पाती हैं। तो इस प्रकार मैंने जैसे आपको बताया कि बजटीय नियंत्रण एक आंशिक स्थापना संभव होती हैं, उदाहरण के लिए यदि प्रबंध केवल प्रमुख क्षेत्र जैसे पूंजीगत व्यय, शोध एवं विकास आदि में बजटीय नियंत्रण लागू करना चाहें तो बिना विशेष परेशानी के ऐसा कर सकता है, परंतु प्रमाप लागत विधि की आंशिक स्थापना व्यवसाय के लिए अनुपयोगी माना जाता है। बजट मुख्यतः पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं, यद्यपि इसके निर्माण में प्रभावी प्रवृत्तियों का भी ध्यान में रखा जाता है, तो प्रमाप लागत विधि में प्रमाप लागत का निर्धारण वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुमानों के आधार पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगले बिंदु में हम पढ़ें कि बजट मुख्यतः पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं, जबकि इसके निर्माण में भावी प्रवृत्तियों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है, जबकि प्रमाप लागत विधि प्रमाप लागत का निर्धारण वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुभव के आधार पर किया जाता है। तो बजट पिछले अनुभव पे तैयार करते हैं और इसके प्रभावी या इसके निर्माण में भावी प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान में रखा जाता है, जबकि प्रमाप लागत विधि में प्रमाप लागत का निर्धारण वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुमानों के आधार पर भी किया जा सकता है। अगला बिंदु इसी क्रम में, बजटीय नियंत्रण प्रमाप लागत की तुलना में कम कठोर है, जबकि बजट अधिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, जबकि प्रमाप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि बजटीय नियंत्रण प्रमाप लागत विधि की तुलना में ये कम कठोर माना जाता है। बजट एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं तथा उस अवधि के संबंध में कुल मात्रा कुल धनराशि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जबकि प्रमाप प्रति इकाई या प्रति घंटा लागत के रूप में भी इसको व्यक्त किए जा सकता है। इस प्रकार बजट में कुल अवधारणा टोटल कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रमाप में इकाई अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। कुल अवधारणा में महत्वपूर्ण तत्वों को समावेश किया जाता है, तो इसलिए इसमें टोटल एसेट्स का प्रयोग कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें यूनिट कंसेप्ट इकाई अवधारणा का प्रयोग किया जा सकता है। आगे इसी क्रम में पढ़ें कि बजटीय नियंत्रण का प्रयोग प्रमाप लागत विधि प्रणाली के बिना ही किया जा सकता है, जबकि प्रमाप लागत विधि के लिए बजटीय नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यकता भी या अनिवार्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के किया जा सकता है। बजटीय नियंत्रण का प्रयोग प्रमाप लागत विधि के बिना ही किया जा सकता है, जबकि प्रमाप लागत विधि के लिए बजटीय नियंत्रण की एक अनिवार्यता आवश्यकता मानी जाती है। प्रमाप लागत विधि के लिए उत्पादों का प्रमापीकरण आवश्यक है, जबकि बजटीय नियंत्रण में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार लागत प्रमाप लागत विधि
के लिए उत्पादों का परमापीकरण बहुत ही आवश्यक माना गया है, जबकि बजटीय नियंत्रण में ऐसा नहीं है। नवे बिंदु की बात करें कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली में लक्ष्यों को लेखांकन प्रणाली में शामिल नहीं किया जा सकता, अतः बजट या वास्तविक निष्पादों की तुलना लेखांकन पुस्तकों से बाहर की जाती है। परमाप लागतों को लेखांकन प्रणाली में शामिल किया जाता है, अतः लेखांकन पुस्तकों में भी विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने परमाप लागत विधि और बजटीय नियंत्रण में मुख्य तंत्रों को एक विस्तृत तरीके से हमने अध्ययन किया। अब इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे कि बजटीय विचरणों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। एनालिसिस ऑफ बजट वेरिएंस। बजट लक्ष्यों वास्तविक परिणामों में अंतर को बजट विचरण के नाम से भी जाना जाता है। इन विचरणों या विश्लेषण तथा निर्वचन करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को विचरण भी कहते हैं। विचरणों का विश्लेषण करने से उनसे उत्पन्न होने वाली उत्तरदायी कारणों की जानकारी हो जाती है, जिससे कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करके संस्था की क्रियाओं को अधिक लाभदायक भी बनाया जा सकता है। सामान्यतया विचरण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अनुकूल विचरण, दूसरा प्रतिकूल विचरण। फेवरेबल वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस को शामिल किया जाता है। प्रतिकूल विचरण में जब लक्ष्य बजट लक्ष्यों या वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हित में हो, जैसे वास्तविक लागतों का बजट लागतों से कम होना या वास्तविक बिक्री का बजट बिक्री से अधिक होना शामिल है। प्रतिकूल विचरण में जब बजट लक्ष्यों की वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हितों के विरुद्ध हो या वास्तविक लागतों का बजट लागतों में अधिक होना या वास्तविक बिक्री का बजट बिक्री से कम होना शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार प्रतिकूल विचरण और अनुकूल विचरण में भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन होता है, जिससे आसानी से इन दोनों वेरिएंस को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे हम कभी कभी क्या होता है कि बजट लक्ष्य वास्तविक परिणामों या निष्पादन दोनों अगर समान हो तो ऐसी स्थिति में शून्य विचरण जीरो वेरिएंस भी ज्ञात कर सकते हैं। जीरो वेरिएंस भी इसे कहते हैं, क्योंकि विचरणों का विश्लेषण प्रबंधकों को अनुकूल विचरणों को जन्म देने वाली गतिविधियों को जारी रखकर प्रतिकूल विचरणों के लिए जिम्मेदार प्रति गतिविधियों को समाप्त करके निष्पादन में सुधार करने की मदद करता है। विचरण विश्लेषण प्रबंध को विभाग प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करके और दायित्व निर्धारण करने में भी सहायता करता है। साथ ही प्रबंध को अपवाद प्रबंध द्वारा मैनेजमेंट बाई एसेप्शंस का सिद्धांत अपनाने में भी सहायक होते हैं। इसके अनुसार प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी अधिक समय व ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के लिए बिजनेस बजटिंग यूनिट संख्या थर्ड में EFM पेपर सेकंड में स्टैंडर्ड वेरिएंस और बजटीय नियंत्रण का किस प्रकार से या क्या क्या उसके अंतर थे उनका हमने सारगर्भित रूप से अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार वेरिएंस से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं। और इसी क्रम में हम बात करें कि बजटरी कंट्रोल और प्रमाप लागत विधि क्या सहायक एवं सारगर्भित तरीके से किस प्रकार से इसको हम तैयार भी कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको पुनरावगल किस प्रकार से उसका निर्वहन करते हैं। तो ये है, कई बार बजटीय नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको इस प्रकार बिंदुवार उनका अंतर को दर्शाते हुए हम इसको दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो अगले हम वीडियो में आपके लिए प्रमाप लागत विधि से संबंधित प्रश्नों का, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, उनका हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे आसानी से उसको हम हल कर सकें, आसानी से उसका क्रियान्वयन कर सकें। तो इस प्रकार अगले वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे कि परमाप लागत विधि किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उनके कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं, कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिसके आधार पर इनको तैयार
किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर उनको या परमाप लागत विधि में लिया जाता है, उनका हम विस्तृत एवं सारगर्भित तरीके से अध्ययन भी करेंगे और उनको हम आसानी से समझने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।